Hello there, welcome back to my channel. I am Shreyashi. So in this video, we are doing an Amazon haul. So a lot of you have been asking me to make fashion related videos and fashion videos. So I thought, let's get back to doing hauls. बहुत time बाद मैं एक haul कर रही हूँ, एक Amazon का haul कर रही हूँ. So I'm very excited to do this one. So this one is mostly an ethnic wear plus western wear haul. Mostly आपको इसमें कुर्ता sets दिखाने वाली हूँ मैं and a couple of western fits as well. You are gonna love the collection that I've bought. So stay tuned till the end of the video and let's get right into it. पहला कुर्ता सेट जो मैंने लिया है वो है ये. Let me open it. So this is a pure cotton कुर्ता सेट. It's from the brand जनासिया. जनासिया के कपड़े मुझे काफ़ी अच्छे लगे इस बार Amazon पे. And yeah, so I bought a couple of them. You will see one more in this haul. So ये है बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट. The best part about this is that it's pure cotton. And it feels, इसका जो material है वो बहुत authentic cotton लग रहा है ऐसे छूने में भी. So yeah, I believe them that it's cotton. And मैंने लिया है size M में, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है. I have seriously given up my size S and switched to a size M. So कभी कभी I feel like, you know, letting it loose. So मैंने इस haul में, you will see, सब कुछ mostly medium size लिया है. Originally मेरा size small था. Yeah, so this is how the kurta is. It's a very long kurta, okay? मेरे लिए तो काफ़ी long है. And ऊपर इसका neck ऐसा है, V neck. And yeah, so flare है. Print भी काफ़ी summery, काफ़ी light लगा मुझे. इसका pajama ऐसा है कुछ. Pajama में है, एक side में elastic है and एक side normal है. Do they have pockets? No, they don't have pockets. Oh, now I know pocket क्यों नहीं है, क्योंकि ये कुर्ता इतना लंबा है कि आप उसको उठा के पॉकेट में हाथ डाल ही नहीं पाओगे. तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. बट येस, अगर कुर्ता में चाहते तो पॉकेट दे सकते थे. बट नो, दे हैवन्ट गिवन. आई थिंक बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता टुवर्ड्स द वेस्ट. सो नहीं दिया है, दैट्स ऑल्सो फाइन. कुछ सोच समझ के नहीं दिया होगा. सो लेट्स एक्सेप्ट द डिज़ाइनर्स चॉइस. बाकी इट्स वेरी नाइस. इसका जो हैंड है वो यहाँ तक आता है मुझे. एंड ये सिंपल सा डिज़ाइन है इस पर. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़. कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ग्रीन ब्लू समरी. सो इफ़ यू वॉन्ट टू गिफ्ट दिस टू योर मॉम इज़ वेल, इट्स अ वेरी गुड वन फॉर दैट. घर में पहनने के लिए काफ़ी अच्छा है. एंड या, सो आई थिंक दैट्स अबाउट द आउटफिट नंबर वन. सो दूसरा कुर्ता सेट जो मैंने लिया है वो है ये. ये कुछ इस कलर में है. नाउ डार्क ग्रीन मैं थोड़ा कम पहनती हूँ, सो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ शॉट. एंड इसकी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो था इसका नेक. दिस इज़ हाउ द नेक इज़. द इसका अगेन जो स्लीव्स है वो मुझे आई थिंक यहाँ तक आता है. एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड अन्नी डिज़ाइनर करके कोई ब्रांड है. एंड साइज़ मैंने लिया है मीडियम, लाइक आई टोल्ड यू. तो ये भी मुझे फिट काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर एज यू कैन सी इन द वीडियो. इसका भी लेंथ लाइक लॉन्ग है काफ़ी, तो बिलो नीज है मुझे. इसका फैब्रिक भी थोड़ा थिक है. सो अगर आपको ट्रांसपेरेंट कपड़े उतने पसंद नहीं है, या मतलब बहुत पतले मटेरियल के पसंद नहीं है, देन दिस इज़ गुड फॉर यू. एंड या, सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट. सो ये है इसका कुर्ता. इसमें यहाँ पे स्लिट है. मटेरियल आई थिंक इसका रेयन है, बट इट वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल. लाइक मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ गर्म. इसके नीचे अगेन यू हैव प्लाजोस. इसमें दोनों साइड इलास्टिक है प्लाजो में. Okay, and they have pocket one side. इसका length भी proper है, नीचे इतना wide है काफ़ी, तो palazzo style का है ये. You know, अगर आप दिन में outing के लिए जा रहे हो, friends से मिलने जा रहे हो, movies देखने जा रहे हो, तो आप ये पहन सकते हो casually, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी. एक और benefit इसमें ये है कि ये कभी भी वो नहीं होगा, क्रीज नहीं आएगी इस पर. यू कैन कीप इट एज यू वॉन्ट एंड इट बी द सेम थिंग. यू डोंट नीड टू मेंटेन ऑन दैट मच. जब आपको लो मेंटेनेंस डेज पे बस जाना है ऐसे कैजुअली, मेहनत करने का मन नहीं है ज़्यादा कपड़े में, तो आप ये पहन सकते हो आराम से. थोड़ा लूज फिटिंग है. सो दैट वॉज अबाउट द प्रोडक्ट नंबर टू. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. इट्स नॉट एथनिक, ये वेस्टर्न है. दिस इज़ अ ड्रेस. एंड ये दिखाने पे शायद समझ नहीं आएगा, ये जो मैं पहन के वीडियो दिखा रही हूँ उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. इट्स वेरी क्यूट. फर्स्टली आई जस्ट लव द कलर, लाइक इट्स प्रॉपर समर कलर, राइट? मतलब ब्राइट फ्लावर्स, वाइट बैकग्राउंड, आई लव इट, राइट? सो इट्स वेरी फ्रेश, स्प्रिंगिश.
एंड बहुत अच्छा लगा मुझे. सो दिस इज़ हाउ इट इज़, सामने से ही ऐसा है. एंड व्हेन यू वेयर इट, ये आपके स्लीव्स में ऐसे फ्रिल आता है दोनों साइड से. पीछे बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ये क्यूट से इसको थोड़ा हॉट बना देता है इस ड्रेस को. सो इट्स लाइक आपके वेस्ट तक तो ऐसा ही है, बेसिकली टाई करने का है पीछे. लाइक यू कैन सी माई वीडियो एज वेल, ये ऐसा है राइट. सो आपका जो वेस्ट है पीछे से वो विजिबल है थोड़ा, लाइक इट्स ओपन ओवर हियर. सो या लव्ड इट अगेन, बहुत अच्छा लगा मुझे. मेरे बॉडी पे फिट भी बहुत अच्छा आ रहा था. ऑल योर्स करके कोई ब्रांड है एंड साइज है M. सो सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी एंड सबका कॉस्ट मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी और इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. सो डोंट वरी, सब कुछ मैंशन होगा वीडियो के अंदर. सो जो भी चीज़ आपको पसंद है आप उसको जाके खरीद सकते हैं. वी हैव टू मोर प्रोडक्ट्स टू गो, लेट्स सी वॉट इज द नेक्स्ट वन. अगेन ये एक एथनिक वेयर कुर्ता सेट है. तो ये अगेन आई बॉट इट बिकॉज इट्स वेरी फ्लावरी समरी कलर. तो मैंने इस बार ऐसी चीज़ें ज़्यादा ली हैं जो थोड़ा यू नो समरी लगे, बिकॉज समर इतना ज़्यादा है अभी. आज ही बॉम्बे में 40 डिग्रीज चल रहा है टेम्परेचर. तो प्लीज़ कीप हाइड्रेटिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड लेट्स कंटिन्यू विद द हॉल. सो ये है हमारा कुर्ता सेट. इसका कुर्ता कुछ ऐसा है. इसका ना नेक थोड़ा इंटरेस्टिंग था. सो इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक बोट नेक बोलते हैं राइट. सो दिस हैज़ बोट नेक. आई होप इट्स विजिबल एंड कैमरा इज फोकसिंग. बाकी मैं पहन के जो वीडियो में दिखा रही हूँ आपको ज़्यादा समझ आ रहा होगा, बट दिस इज़ हाउ इट इज़. एंड यहाँ पे कोई कट नहीं है, ये फ्रॉक स्टाइल में है. बट देयर इज़ अ पॉकेट, वेरी वाइज ऑफ देम टू गिव वन पॉकेट ओवर हियर. सो ये हमारा कुर्ता राइट. इसका कलर भी अगेन लाइक अ सेट बहुत अच्छा है, प्यारा समरी सा है. तो इसके पीछे जो है आपको ये मिलेगा बटन जिससे कि आप लगा सकते हो इसको. सो दैट वाज अबाउट द कुर्ता. लेट्स लुक एट द पजामा ऑफ दिस. पजामा अगेन सिंपल सा है, दोनों साइड इलास्टिक है एंड इट्स अ प्लाजो. बट इसके बॉटम में ये इंटरेस्टिंग वर्क है. सो दिस मेक्स इट लुक अ लिटिल एक्सपेंसिव एंड या. सो दैट वॉज अबाउट इट. ये जब मैंने पहना था तो मुझे बहुत कम्फर्टेबल लगा था. अगेन इट्स नॉट प्योर कॉटन बट इट्स अ कम्फर्टेबल मटीरियल. सो या आई लाइक्ड इट. अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो कि आप घर में भी थोड़ा बहुत पहन सकते हो एंड बाहर भी जा सकते हो राइट, यू डोंट हैव टू चेंज व्हेन यू गोइंग आउट. तो आप ये ऐसा है कि थोड़ा बहुत लाउंजिंग में भी पहन सकते हो एंड बाहर भी जा सकते हो क्योंकि इट्स वेरी कम्फर्टेबल. So that is the reason I bought this one and yeah. So again the link is in the description. If you want to buy it you can go and check it out. Now last but not the least, the last thing that I have bought is the one that I'm wearing right now. Jo maine pehna hai, ye mera favorite hai pure haul mein se. So that's why I wore it and I made this video. To ye hai ek top, ye bahut pasand aaya mujhe. Iska sleeves bhi bahut interesting hai and it fits me perfectly, like it's exactly my size. एंड ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको पहन के. एंड इट्स नाइस फ्रिली एंड वेरी समरी, अगेन वेरी ब्राइट एंड वेरी नाइस, वेरी क्यूट. सो आई लव दिस वन एंड इट्स अगेन फ्रॉम द ब्रांड जनासिया आई थिंक. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जनासिया के कपड़े. जैसे मैंने बोला था कि मैंने दो लिए हैं इस हॉल में, तो ये था दूसरा वाला. अगेन साइज मीडियम है. सो आई ट्राइड वेयरिंग इट ऑन माई जीन्स एंड इट वॉज लुकिंग गुड. एंड या सो दैट वॉज माई फिफ्थ एंड द फाइनल प्रोडक्ट फॉर दिस हॉल. आई होप आपको अच्छा लगा हो. लेट मी नो योर फेवरेट इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड अगर आपको कुछ भी लेना है यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड चेक इट आउट. ऑल्सो अमेजोन पे सेकेंड में से बहुत अच्छा सेल स्टार्ट हो रहा है. सो आप ज़रूर अमेजोन पे जाना और चेक करना. फैशन कैटेगरी में बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं. दे हैव ऑल द गुड ब्रांड्स एंड आई विल बी डूइंग अ कपल मोर हॉल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड या सो दैट वॉज इट अबाउट दिस वन. आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड प्लीज मेक श्योर टू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवन डन सो येट. एंड आई विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वन. Till then, bye-bye, take care.